हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का फिर से मौका मिला और इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ और मेरे निराकार परमात्मा उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आज वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है न्यू अवेकनिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर जो मिड ऑफ द जर्नी है उनके लिए भी बहुत क्रूशल है और जो अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं ना, वो तो मैं जानती हूँ कि ज़रूर देखेंगे ये वीडियो। क्योंकि जब आप अपने जर्नी के उस स्टेज में पहुँच जाते हो, जब आप बहुत आगे निकल जाते हो, तो आपके अंदर से ईगो इतना ख़त्म हो जाता है कि आपको ये पता होता है कि आपको कुछ नहीं पता। मतलब कि आप हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहते हो, आपके अंदर कभी वो घमंड नहीं होता कि मैं तो अपनी जर्नी में इतने आगे आ गई हूँ तो मुझे इस वीडियो को सुनने की क्या ज़रूरत है या मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। जो अपने जर्नी में आगे निकल जाते हैं ना, उनका ईगो उतना ही छोटा हो जाता है, छोटे से छोटा होता चला जाता है और उनके अंदर सीखने की इतनी इच्छा होती है, इतनी भूख होती है, उनको लगता है कि हर वक्त वो हर चीज़ से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और वो अपने जीवन के हर अनुभव को इसी नज़रिए से देखते हैं कि मुझे अब क्या सीखने को मिलेगा। और मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है हर वक्त, उनके दिमाग में यही चलता है। तो जो अपने जर्नी में आगे आ चुके हैं वो गुरु जी का हर वीडियो सुनते हैं वो हर डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो कितनी भी अपने एक्सपीरियंस में आगे आई हो, उन सब का वीडियो सुनते हैं और उनको पता होता है कि अगर यूनिवर्स ने उनको ये वीडियो दिखाया है तो इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को वो है द यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन के बारे में। यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन क्या है? अब सबसे पहले तो मैं उन लोगों को टैकल करना चाहूँगी जो बहुत ही लॉजिकल हैं, जो इतना ज़्यादा लॉजिक से सोचते हैं कि वो इस चीज़ को समझने में उनको बहुत दिक्कत होती है कि यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करें। और स्पेशली अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत में हैं तब तो आपको ये सब चीज़ें, ये बातें लिखनी चाहिए अपने एक जर्नल में, डायरी में आपको बैठ के लिखनी चाहिए जो बातें इस वीडियो में कही जा रही है। क्योंकि आप अगर अपने जर्नी की शुरुआत में हो तो सबसे पहले तो उस टाइम पे सारा ध्यान जो है डीएम पे रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, जबकि होना उल्टा चाहिए। उस वक्त आपका सारा ध्यान जो है यूनिवर्स पे होना चाहिए कि आपको यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाना है, यूनिवर्स के बारे में और जानना है। उस वक्त आपके डीएम का कोई काम ही नहीं है। बिलीव मी डीएफ्स, आप लोग जो लोग न्यू अवेकनिंग हैं, जिनको सोल शॉक लगा है, जिनके डीएम उनसे भाग रहे हैं, आप जितना ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दोगे आपकी जर्नी उतनी ज़्यादा डिले होगी। आप इस वक्त उन्हें एकदम भूल जाओ, जैसे कि वो हैं ही नहीं, उन्हें जाने दो। और इट इज़ ईजियर सेट देन डन, मुश्किल होता है, इसलिए तो गुरु जी ने अपना सिस्टमैटिक इनर वर्क बनाया है। जितना जितना आप इनर वर्क करेंगे उतनी इच्छा आपकी होगी कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करें। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं और ये यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन क्या है और भगवान जी क्रिएशन कैसे करते हैं और उससे हमारा क्या ताल्लुक है, हमें उससे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो द यूनिवर्स इज अलाइव। यूनिवर्स का एक एक कण जो है, एक एक उसका मॉलिक्यूल, एक एक एटम जो है वो जीवित है, वो वाइब्रेंट है, वो अलाइव है। एवरी बिट ऑफ द यूनिवर्स इज अलाइव, इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस। तो हमें स्कूल में ऐसे सिखाया जाता है ना कि शरीर बनता है, फिर उसके अंदर ब्रेन बनता है, ब्रेन के अंदर फिर जाकर के अचानक से आपको कॉन्शियसनेस आती है। ये गलत है, ये दिस इज़ नॉट द रियलिटी। असल में देर आर नो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, एवरी थिंग इज़ अलाइव। तो हमें स्कूल में सिखाते हैं ना कि ये चीज़ नॉन लिविंग है, ये चीज़ लिविंग है। जैसे कि आपका फ़ोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड अ पर्सन इज़ अ लिविंग थिंग। तो ये सच नहीं है। द ट्रूथ इज़ एवरी एटम इन द यूनिवर्स इज़ अलाइव। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन, द यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस।
और हर एक कण जो है यूनिवर्स का वो इंटेलिजेंट है, इन्फिनिटली इंटेलिजेंट है और इन्फिनिटली कॉन्शियस है. देर इज़ नथिंग बट कॉन्शियसनेस. दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ रियलिटी. द एंटायर यूनिवर्स इज अलाइव. ओके, तो चलिए आज आगे और समझते हैं इस चीज़. तो आज के हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसको द यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कहते हैं द यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन. तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? साइंटिस्ट ने देखा है, और ये स्पेशली हमारे लॉजिकल माइंडेड डीएफ्स के लिए है, कि जब आप एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, एकदम डीप जाते हैं, छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, तो अगर आप अपना हाथ रखें और उसके बगल में कोई किसी और का हाथ रखें या कोई टेबल रखें या कुछ भी रखें, तो आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस चीज़ से बने हैं? एटम से बने हैं. और जब आप एटॉमिक लेवल पे जाते हैं और उससे भी अंदर सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो एक चीज़ और किसी दूसरे चीज़ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता. फ़र्क सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नज़र आता है. जब आप बाहर आते हैं उस छोटी सी एटॉमिक दुनिया से, जब आप बाहर आते हैं बड़ी चीज़ों की दुनिया में आते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, इंसान, तब आपको फ़र्क नज़र आता है. और जैसे जैसे आप और बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते रहते हैं, तो आपको और फ़र्क नज़र आता है. लेकिन जब आप किसी चीज़ के तह तक जाएंगे, उसके बेसिक क्रिएशन लेवल तक जाएंगे, जहाँ उनका क्रिएशन जो है एटम से हुआ है और सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ है, वहाँ एक चीज़ और दूसरे चीज़ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता उनको. मतलब कि समस्त ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, इट इज़ यूनिफाइड एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. एक एक नदी है, जैसे कि एक समंदर है, नदी नहीं कहेंगे उसको, वो एक ओशन है, एक इन्फिनिट ओशन है, जो हर चीज़ कनेक्टेड है, कोई सेपरेशन नहीं है किसी चीज़ में. तो अगर आप एक एयर मॉलिक्यूल को देखें और एक इंसान के स्किन को देखें माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर के सब एटॉमिक लेवल पे, तो आपको नज़र आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क है ही नहीं, और हर चीज़ जो है वो कनेक्टेड है. तो इवन साइंटिफिकली भी फिजिसिस्ट ने देखा है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, चाहे स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, प्लैनेट्स हो, इंसान हो, चीज़ें हो, सब चीज़ जो है वो एक ही चीज़ से बनी है, वो है एटम्स. एंड एटम्स जो है वो बराबर है हर जगह, वो सेम ही एटम है हर जगह. तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता. और इवन यूनिवर्स में जहाँ वैक्यूम है, वहाँ पर भी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब भी है. ये जो बने हुए हैं वो भी किस चीज़ से बने हुए हैं? एनर्जी से बने हुए हैं. तो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ एनर्जी, और उस ओशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्रिएशन हो रहा है, चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, डिज़ोल्व हो रही हैं, और क्रिएट हो रही हैं, डिज़ोल्व हो रही हैं, लेकिन कभी कोई सेपरेशन नहीं आ रहा है. मतलब कि हर जगह जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी हर जगह है. तो एवरीथिंग इज़ अलाइव, द एटम इट्सेल्फ इज़ अलाइव. मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खुद से एक चीज़ पूछिए कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, एक माँ क्रिएशन करती है, एक माँ जीवित है, इट शी इज़ अ लिविंग थिंग, तो वो अपने बच्चे को जो है जन्म देती है. तो उसी तरीके से यूनिवर्स जो है वो अलाइव है, और यूनिवर्स अलाइव होने की वजह से ही उन्होंने जीवित चीज़ों को जन्म दिया है. तो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उनका जन्म एक जीवित चीज से ही हुआ है. तो द यूनिवर्स इज अलाइव, और दैट इज व्हाई इट इज एबल टू गिव बर्थ टू लिविंग थिंग्स. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ से आई हैं? वो भी एक लिविंग थिंग से ही आई है, ठीक है. तो यूनिवर्स इज द अल्टीमेट क्रिएटर, एंड उन्होंने ही सारे क्रिएशन का जन्म दिया है. और जितने भी चीज़ें आपको आसपास दिखती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो एक जीव से ही आए हैं, और वो जीव क्या है? द यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन. सो द एंटायर यूनिवर्स इज़ अलाइव, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ एबल टू क्रिएट लिविंग थिंग्स एवरीवेयर. डज दैट मेक सेंस? ये कितना बड़ा सच है. तो कोई भी जीवित चीज़ जो है वो कहाँ से आएगी? किसी ना किसी जीवित चीज़ से ही आएगी. इसीलिए आपके चारों तरफ आपको जो भी दिख रहा है, इट इज़ अलाइव, इट इज़ कॉन्शियस, इट इज़ डायनामिक, इट इज़ इंटेलिजेंट. हर चीज़ इंटेलिजेंट है, हर चीज़ जीवित है. उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप परसीव कर सको, लेकिन वो जीवित है, क्योंकि उसका जन्म एक जीवित चीज़ से हुआ है. बिकॉज द यूनिवर्स इज़ अलाइव.
तो हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो होता है वो इस चीज़ का होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि देर इज़ नो अदर, देर इज़ ओनली वन, मतलब देर इज़ नो सेपरेशन। हमें ये समझ क्यों नहीं आता? बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं कि एक क्रिएटर है जिसने दुनिया को बनाया, जबकि सच ये है कि क्रिएशन ही क्रिएटर है। कहने का मतलब है कि द क्रिएटर इज़ क्रिएटिंग इट्सेल्फ। जैसे कि टोरस जो है वो खुद को ही क्रिएट करता है। ये फोर डायमेंशनल स्फीयर है जो खुद को ही क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अंदर से उसके एनर्जी निकल रही है, बाहर फैल रही है, वापस उसी के अंदर जा रही है। तो यूनिवर्स पे बिल्कुल ऐसा ही है, यूनिवर्स खुद को ही क्रिएट कर रहा है। अगर आप ऐसा ढूंढेंगे ना कि मुझे कहीं भगवान मिल जाए, मैं जाके किसी डायमेंशन में भगवान जी से मिल लूँ, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज भगवान जी हर जगह है, भगवान जी हर चीज़ है, भगवान जी आप हैं, आपके कण कण में है, आपकी बॉडी का हर एक एटम भगवान है। समझ में आया आपको? द क्रिएटर इज क्रिएटिंग इट सेल्फ। क्योंकि हमारे में जब हमने ये समझा कि ये सृष्टि ही परमात्मा है, तो एक सवाल आया कि परमात्मा को किसने बनाया? जब परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया? तो जवाब ये आया कि परमात्मा ने खुद को बनाया, और वो खुद ही को क्रिएट करे जा रहे हैं। और ये सारा का सारा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इनफिनिट जो मल्टीवर्सेस हैं, दैट इज़ गॉड, दैट इज़ द क्रिएटर क्रिएटिंग इट्सेल्फ। कोई सेपरेशन है ही नहीं, किसी क्रिएशन और किसी क्रिएटर में कोई सेपरेशन ही नहीं है, वो एक ही चीज़ है। जैसे कि ये टोरस है, तो आपके अंदर की जो रियलिटी है वही बाहर प्रोजेक्ट हो रही है, जैसे कि इस टोरस में हो रहा है। उसके अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी बाहर जाके फैल रही है और वापस वो उसी के अंदर जा रही है। तो सारे के सारे यूनिवर्स का क्रिएशन जो है बिल्कुल इसी तरह हुआ है, और जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो इसी टोरस फील्ड की तरह क्रिएट हो रहा है, अपने ही आप से, अपने ही अंदर से। तो आप इस तरह से समझिए कि जब परमात्मा ही अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, सारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी अपने जीवन को अपनी एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ओनली कॉपिंग द डिवाइन, हम उनके एक छोटे से वर्जन हैं। अगर आपको समझना है ना कि आप कौन हो, तो भगवान जी अगर इन्फिनिट हैं तो आप उनका एक छोटा सा हिस्सा हो, उन्हीं के जैसे बिल्कुल हो, ट्रू कॉपी हो, बस उनका एक छोटा सा वर्जन हो। उनके जितने इन्फिनिट आप क्रिएशन नहीं कर सक रहे हो, क्योंकि आप एक छोटे से फॉर्म में हो, लेकिन आप जिस भी फॉर्म में हो आप क्रिएशन कर रहे हो, ठीक है? तो और पहले तो आप में और भगवान जी में कोई सेपरेशन है ही नहीं, वो आप ही हैं इन अ हायर डायमेंशन। इस बात को कभी नहीं भूलना कि यू आर डिवाइन, यू आर द यूनिवर्स, यू आर ईश्वर, इसको कभी मत भूलना। अगर कोई आपसे कहे कि भगवान आपसे सेपरेट है, तो समझ लो वो झूठ है। भगवान आपसे सेपरेट नहीं है, दैट इज़ यू, गॉड इज़ यू इन अ हायर डायमेंशन, योर अल्टीमेट सेल्फ इज़ गॉड, इसको कभी मत भूलना। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस का जन्म जो है यहीं से होता है कि हम किसी भी चीज़ को अपने से अलग समझते हैं। तो जब आप भगवान को अपने से अलग समझना बंद कर दोगे, तो बाकी सब चीज़ों को भी अपने से अलग समझना बंद कर दोगे, फिर आपके अंदर से एक ओशन ऑफ अनकंडीशनल लव जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ आप ही हैं। फिर आपको अपने डीएम से भी सेपरेशन फील नहीं होगा। तो ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस का अंत की जो शुरुआत है वो तब होती है जब आप भगवान को जो है मानते हो कि यू एंड गॉड आर वन, मतलब यू आर गॉड इन अ हायर डायमेंशन। ठीक है, श्री कृष्ण खुद जो है अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि जब अर्जुन उनसे पूछता है कि माधव क्या आप परमात्मा हैं, तो श्री कृष्ण रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूँ, जैसे कि तुम भी परमात्मा हो, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो। तो जैसे जैसे हम अवेकन होते जाते हैं, हम भगवान जी के और करीब चले आते हैं, और करीब चले आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी उनसे अलग हुए हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना है। तो जैसे भगवान जी खुद के अंदर से ही पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, द क्रिएटर इज क्रिएटिंग इटसेल्फ, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये समझ लो कि आप जो हैं एक प्रोजेक्टर हैं, और आपकी जो लाइफ है वो प्रोजेक्टर का स्क्रीन है।
तो आपके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वही इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जो है प्रोजेक्ट होगी। जैसे मूवी थिएटर में हम जाते हैं तो प्रोजेक्टर से जो रोशनी निकलती है वही स्क्रीन पे आती है। वो रोशनी कहाँ से आती है? वो रोशनी प्रोजेक्टर से आती है। तो प्रोजेक्टर कौन है? प्रोजेक्टर आप हैं। तो आपके अंदर जैसी एनर्जी रहेगी, आपके जैसे थॉट्स रहेंगे, आपकी जैसी वाइब्रेशन रहेगी, आप उसी तरह का क्रिएशन करेंगे अपने चारों ओर। आपकी रियलिटी में आपको वही दिखेगा। अगर आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, आपके लाइफ में कोई किसी भी चीज़ का ब्लॉक है, सक्सेस का ब्लॉक है, या कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशन है, इसका मतलब आपके अंदर अभी भी गंदगी है। आप वही एनर्जी जो है अपने प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो टोरस फील्ड की तरह आपके चारों तरफ फैल के आपको रियलिटी बन के दिख रही है। तो आपको सिर्फ अपने अंदर की एनर्जी चेंज करनी है। आप अपनी एनर्जी चेंज कर दोगे तो जो प्रोजेक्टर में से रोशनी निकल रही है वो चेंज हो जाएगी, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। तो लाइफ में अगर चेंजेस लाने हैं तो खुद के अंदर की जो एनर्जी है, जो रोशनी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसको चेंज करना है। वो चेंज कैसे करेंगे? हम इनर वर्क करके। जब हम सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, आप कंसिस्टेंटली बस करो। मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, आकांक्षा, अगर तुम सुन रही हो तो थैंक यू वेरी मच। उसने एक बात कही थी कि बस कंसिस्टेंसी रखो। अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो अगर आप डेली इनर वर्क करते हो सिस्टमैटिकली, जैसा आपको करना है बस करते रहो और भूल जाओ कि आप कर रहे हो, उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। जैसे कि आप खाना खाते हो, जैसे आप सोते हो, जैसे आप नहाते हो, जैसे आप टीवी देखते हो, आप जो भी करते हो, उसी की तरह इनर वर्क आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए तो आपके अंदर की सफाई आपको पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके चारों तरफ की रियलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया। तो अगर आपके अंदर की एनर्जी चेंज रहेगी तो आप जो टोरस फील्ड जनरेट करोगे अपने लाइफ में उसकी भी एनर्जी चेंज होगी। तो आप अपने प्रोजेक्टर के अंदर से जो रोशनी निकल रही है सिर्फ उसको चेंज करो, मूवी जो दिख रही है ना वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो याद रखिए आप कि द क्रिएटर इज क्रिएटिंग इट सेल्फ, देर इज नो अदर। 1+1=1, 1+1=2, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही यूनिफाइड फील्ड कॉन्शियसनेस है, सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस है जो हर जगह है। उसके अनेकों रूप हैं, उसके इन्फिनिट रूप हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते उनके रूप, लेकिन है तो वो एक ही, ठीक है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। ऑलराइट, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू एवरीवन।